नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेरणा संवाद। मैं हूं पल्लवी। आइए जानते हैं आज की प्रमुख खबरें फटाफट। अयोध्या में बनेगी यज्ञशाला, अनुष्ठान मंडप, अध्ययन अनुसंधान अनुक्षेत्र, मंदिर संघ, विकसित होगी सांस्कृतिक राजधानी। मौनी अमावस्या के अवसर पर माघ मेले में पुष्प वर्षा से श्रद्धालुओं और संतों का स्वागत। कर्नाटक के पेजावर मठ उडुपी के 33वें पीठाधिपति स्वामी श्री विश्व प्रसन्ना तीर्थ ने कहा, अलग नहीं है राम भक्ति व राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र सेवा ही है राम सेवा। कूड़ा बीनने और भीख मांगने वाले बच्चे अब पुस्तक कलम लिए संवार रहे अपना भविष्य। लखनऊ की संस्था उम्मीद दे रही है बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। यूपी के उन्नाव में जैविक खेती कर दूसरे किसानों को राह दिखा रहे अरविंद, पीएम मोदी कर चुके हैं सराहना। यूपी के बरेली में मुख्यमंत्री युवा स्वावलंबन योजना से विनय ने शुरू किया गत्ते का स्वरोजगार, कारोबार बढ़ा तो अब दूसरे लोगों को भी दे रहे हैं रोजगार। देहरादून में नौकरी की तलाश कर रहे पारस कश्यप ने खोला ग्रेजुएट कचौड़ी वाला की दुकान, अब आत्मनिर्भर बन दूसरे युवाओं के लिए बने हैं प्रेरणा। गुजरात के 22 निवेशक करेंगे यूपी में 38,000 करोड़ रुपए का निवेश, 50,000 से अधिक लोगों को मिलेगा रोजगार। यूपी के चंदौली में पुलिस ने 16 गौवंश लदे ट्रक को किया जब्त, चारों पशु तस्कर मौके से फरार, पुलिस बोली जल्द होगी सभी की गिरफ्तारी। यूपी के फतेहपुर में मतांतरण के आरोप में श्वार्ट्स के निदेशक, वाइस चांसलर और प्रवक्ता समेत 60 पर मुकदमा दर्ज। आज के फटाफट समाचारों में बस इतना ही, फिर लेकर आएंगे कुछ नए समाचार। तब तक के लिए नमस्कार।